चल अपना गार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। अनलॉक वन के दौरान पहली बार होगा यह संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में नहीं होगी श्रमिकों के लिए रोजगार की कमी। आज डीबीटी के माध्यम से 10,48,166 श्रमिकों के खाते में पहुंचाई गई 1,000 रुपए की सहायता राशि। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के लिए आज पंजाब नेशनल बैंक के अंचल प्रबंधक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 750 करोड़ रुपए का चेक किया भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा एक्सप्रेस वे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साबित होगा मील का पत्थर। और प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से 7,875 लोग हुए पूर्णतः स्वस्थ। प्रदेश में अब 4,858 एक्टिव केस। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। अनलॉक वन के दौरान यह पहली बार होगा जब पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर चुके हैं। इस संवाद के दौरान पीएम ने न सिर्फ राज्यों का हौसला बढ़ाया है बल्कि उन्हें चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार भी किया है। अनलॉक वन में धीरे धीरे जनजीवन और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रहे हैं। ऐसे में भविष्य की रणनीति के लिए इस संवाद को काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शनिवार की अपने सरकारी आवास पर 10,48,166 श्रमिक परिवारों के खातों में 1,000 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से भेजी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आए मजदूरों और कामगारों को सुरक्षित क्वारंटाइन केंद्रों में लाया गया जहां उनके लिए भोजन व पानी के साथ साथ मेडिकल स्क्रीनिंग भी इसकी व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 35 लाख प्रवासी श्रमिक और कामगारों को विषम परिस्थितियों में घर वापस आना पड़ा है। पहले चरण में उनके लिए 15 दिन के राशन किट की व्यवस्था की गई है। उन्हें परिवहन विभाग के 12,000 से अधिक बसों के माध्यम से उनके घरों तक भी पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रदेश में आने वाले श्रमिकों और कामगारों को 1,000 रुपए भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने का जो कार्य हुआ है यह शासन के लिए लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को एक नई दिशा देता है। इन सभी मजदूरों व कामगारों को राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। अपने श्रम से इन्होंने समाज के सामने बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमारा दायित्व है कि प्रदेश में आने वाले कामगार व श्रमिकों को रोजगार के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पहले राजस्व विभाग ने इनकी स्किल मैपिंग का कार्य किया और फिर वित्त विभाग ने बैंकों के साथ बैठक करते हुए इनके रोजगार और स्वावलंबन के लिए कार्य योजनाएं तैयार की हैं। आज हम सब का दायित्व बनता है कि प्रदेश की में जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं इन सबको अब हम रोजी रोजगार के साथ जोड़ सकें। और बहुत सारे जनपदों ने, पहले राजस्व विभाग ने स्किल मैपिंग का कार्य इनका किया, वित्त विभाग ने बैंकों के साथ बैठक करते हुए इन लोगों के रोजगार और इनके स्वावलंबन के लिए कार्य योजनाएं तैयार की।
और जनपद स्तर पर पूरी मुस्तैदी के साथ इन सब को उनकी रोजी रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी। कहीं जॉब कार्ड बनाए गए हैं, कहीं पर इनके स्किल डेवलपमेंट के अनुसार इनको वहाँ पर कार्य देने की अपनी तैयारी हर एक जिला प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है। सचमुच बहुत अद्भुत कार्य हुआ है, बहुत सराहनीय कार्य हुआ है जनपद स्तरों पर भी, क्योंकि मुझे तो इधर बीच में कुछ जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने पब्लिक जो फीडबैक लिया उसके माध्यम से पब्लिक ने इसको बहुत सराहना की कि वास्तव में जिस मुस्तैदी के साथ प्रशासन ने इस पूरे जो डिजास्टर के दौरान आपदा के दौरान कार्य किया है वह मुझे लगता है कि हम सब के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत करता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आज पंजाब नेशनल बैंक के अंचल प्रबंधक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 750 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में 3 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है और चौथा एक्सप्रेसवे जो गंगा एक्सप्रेसवे है देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। वर्तमान में हम लोग 3 एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, चौथा एक्सप्रेसवे जो संभवतः देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनेगा वह मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे की डीपीआर की कार्रवाई हमारी अंतिम चरणों में चल रही है। इस वर्ष के अंत तक भूमि अधिग्रहण की सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए हमारा प्रयास होगा कि अगले वर्ष के प्रारंभ में हम गंगा एक्सप्रेसवे के कार्य को भी द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे। देश में कोरोना की जंग जारी है। कोविड संक्रमितों की संख्या भले ही बढ़ रही है लेकिन कोरोना को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी कम नहीं है, उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 49.94% पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल 154,329 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या 145,779 हो गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 11,458 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के कारण 8,884 लोगों की मौत भी हो गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 20 जून से छठे चरण का खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। लखनऊ में लोक भवन में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि 43 लाख मजदूर प्रतिदिन मनरेगा में काम कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ तक रोजगार दिया जाए, साथ ही एमएसएमई सेक्टर में भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोविड-19 से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं की लगातार निगरानी की जाए और सभी श्रमिकों का पूरा ख्याल रखा जाए। 43 लाख से अधिक श्रमिक एक दिन में कार्य कर रहे हैं और लक्ष्य यह है कि 1 करोड़ मानव दिवस का जो है टारगेट जल्दी पूरा कराया जाएगा। स्किल मैपिंग के लिए 33 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्किल मैपिंग भी जो पूरी डेटाबेस तैयार हो रहा है जिला मजिस्ट्रेटों ने उसको जो है भर लिया है। राजस्व विभाग का लक्ष्य है कि जहां आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 10 लाख से अधिक लोगों को धनराशि दी गई है, अगले 10 लाख का भी डेटा बैंक अकाउंट का वो बहुत जल्दी ही उसको संकलित कर लेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के विगत 24 घंटे में 503 नए मामले सामने आए हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय प्रदेश में एक्टिव संक्रमण के केसेस 4,858 हैं, 7,875 लोग पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। उपचारित मरीजों का प्रतिशत 60% ज्यादा चल रहा है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 503 नए मामले सामने आए हैं, 503।
इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस 4,858, जो मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 7,875। इस प्रकार हमारे उपचारित मरीजों का प्रतिशत अभी भी 60% से अधिक चल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 385 की मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड में इस समय 4,868 लोग रखे गए हैं, जिनका इलाज विभिन्न चिकित्सालयों या चिकित्सा महाविद्यालयों में किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को एक बड़ी राहत दी है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में न्यायालय ने सरकार की तीनों अपीलों की सुनवाई को मंजूर करते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश पर अपने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने सरकार की भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति भी दे दी है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने जो कल राज्य सरकार की स्पेशल अपील में जो आदेश पारित किया है, इससे राज्य सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि माननीय एकल पीठ ने राज्य सरकार की जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया थी उसको पूर्णतया रोक दिया था। लेकिन जो खंडपीठ ने विशेष अपील में राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अपील में राज्य सरकार को ये कहा है कि आप अपनी भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका जो वहाँ पे विचाराधीन है उसके आदेश के तहत ही करेंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया है कि जो शिक्षा मित्रों के 37,000 के लगभग जो सीटें हैं, जो शिक्षा मित्र इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और उनका भी जो मामला विचाराधीन है, तो वो जब तक सुप्रीम कोर्ट से तय नहीं हो जाता तब तक उन 37,000 रिक्तियों पर आपको नियुक्तियों की प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी। शेष जो 32,000 के करीब हैं उन पर आप नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। हाँ, सरकार का जो आज मीडिया के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो उसमें बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया गया राज्य सरकार की ओर से, जिससे कि जो पुराना आदेश है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वो चाह रहे हैं। तो उस जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा उसके ही अधीन अब राज्य सरकार आगे बढ़ सकती है। लेकिन 32,000 जो रिक्तियां हैं उन पे राज्य सरकार को आगे बढ़ने में अब कोई विधिक अड़चन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी राहत माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदान की है। कोरोना संकट काल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने के लिए अपने मंत्रियों को भेजना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कन्नौज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को बारीकियों से देखा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना जांच में तेजी लाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इनके लिए भी ठोस कदम उठा रही है। कोरोना जांच के लिए बांटी गई ट्रूनेट मशीन चालू होने के बाद जिलों में जांच रिपोर्ट जल्द मिल जाने से लोगों को फायदा होगा। मैं माताओं बहनों बच्चों से मिला जिनकी संख्या 25 से ज्यादा होगी, उन सब ने ये कहा कि भोजन की कोई समस्या नहीं, चादरें रोज बदली जाती हैं, इलाज की कोई समस्या नहीं। मैं जो ऑपरेशन वार्ड में मिला जहाँ पर केसेस होते हैं ऑपरेशन के, तो उसके अंदर घायल बाप बेटी से मिला, उनका इलाज तुरंत हो रहा था। ऐसे लोगों से मिला कि जिनके पैर में बहुत चोट थी वो 3 दिन से यहाँ हैं, 4 दिन से यहाँ हैं, उनका इलाज हो रहा था। जितने उपाय संभव हैं उतने किए जा रहे हैं। अगर कहीं कोई लापरवाही हो रही है तो इसके अंदर न केवल सरकार बल्कि जनता के जितने भी हमारे सहयोगी हैं, प्रतिनिधि हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, और सबसे अच्छा रोल मीडिया का है।
कि हर रोज मीडिया भी इस बात का अपना उद्यत करती है कि लोग सतर्क रहें और लोग सतर्क हो भी रहे, ऐसा नहीं। इसी क्रम में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की हकीकत को जानने के लिए प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला भी अंबेडकर नगर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस आपदा काल में ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ये दो आयाम संजीवनी बनकर उभरे हैं और मनरेगा योजना को 40,000 करोड़ का बजट अतिरिक्त मिला जो मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग को अलग से दिया है। मथुरा में कोरोना वायरस कोविड 19 की महामारी के चलते श्रमिकों की परेशानी को ध्यान में देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाले निर्माण श्रमिकों को आपदा राहत सहायता योजना का लाभ 4,59,80,000 रुपए श्रमिकों के खाते में मथुरा श्रम विभाग के माध्यम से दिया गया है। सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि 21,837 पंजीकृत पात्र श्रमिकों के लिए प्रत्येक को 1,000 रुपए की दर से 2,18,37,000 रुपए का चेक जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दूसरी किस्त का भुगतान भी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत और अद्यतन नवीनीकृत निर्माण श्रमिकों को 1,000 रुपए की पहली किस्त भी 2,41,43,000 रुपए की धनराशि का भुगतान भी किया जा चुका है। श्रमिकों के खातों में धनराशि RTGS के माध्यम से भुगतान की गई है। कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के तहत श्रम विभाग से मुझे 1,000 रुपये की धनराशि मिली थी जो आसानी से मेरे खाते में बैंक खाते में जा चुकी है और मेरा जो खर्चा था उसमें बहुत सहयोग मिला है सरकार की तरफ से। इस वजह से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और भी काफ़ी योजनाएँ मुझे यहाँ से मिल चुकी हैं। मैं यहाँ पर श्रमिक एक मजदूर के रूप में पंजीकृत हूँ। कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के तहत श्रम विभाग से मुझे किस्त 1,000 रुपये मिली जिससे मेरा परिवार का खर्च आसानी से चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के तहत श्रम विभाग से मुझे 1,000 रुपये की धनराशि मिली है जो कि आसानी से मेरे खाते में पहुँच चुकी है। मेरे परिवार का खर्चा चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं गाँव राल का रहने वाला हूँ। कोरोना वायरस की वजह से मुझे आगे 1,000 रुपये प्रधानमंत्री की ओर से सरकार ने आगे मुझे दिए। कोविड 19 में जो श्रमिक हैं, श्रमिकों के हित के लिए एक विशेष तरह की योजना श्रम विभाग के द्वारा चलाई गई थी, आपदा राहत सहायता योजना। इस सहायता योजना के तहत जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक थे जिनका नवीनीकरण हो चुका था हमारे विभाग में, ऐसे लगभग 30,000 श्रमिकों की संख्या थी, इनको 1,000 रुपये इनके खाते में RTGS के माध्यम से भेजने के लिए योजना लाई गई। इन 30,000 से अधिक अद्यतन श्रमिकों में से हम लोगों ने प्रथम किस्त के रूप में 24,180 श्रमिकों के खाते में पैसे का अंतरण पहली किस्त का कर दिया और वर्तमान में दूसरी किस्त में भी हम लोगों ने 22,689 श्रमिकों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। बरेली जिले में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को खाना बनाने में कोई परेशानी ना हो इसके लिए प्रधानमंत्री ने राहत प्रदान की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 3 माह उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को निःशुल्क सिलेंडर मिलने से महिलाएं काफी खुश हैं। निःशुल्क सिलेंडर पाने के लिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक की महिलाओं के बैंक खाते में सिलेंडर के लिए रुपए भी भेजे हैं। अब ये महिलाएं बैंक खातों से पैसे निकालकर सिलेंडर ले पा रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि जब सभी कामकाज लॉकडाउन के कारण बंद हो गए तो घर में पैसे का अभाव हो गया। ऐसे में प्रधानमंत्री ने हम महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन देके सिलेंडर देके हमारे परिवार को खुशी दी है।
मेरे लिए सिलेंडर फ्री मिला है और मेरी सेंसिटिव भी आती है और गल्ला भी मेरे लिए फ्री मिला है और प्रधानमंत्री के लिए देखो धन्यवाद। गैस सिलेंडर फ्री मिला, सेंसिटिव भी आती है, प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहते हैं, राशन भी फ्री मिलता उनको धन्यवाद। मोदी ने हमें सिलेंडर दिए हैं और पैसे भी, वो हमने निकाल के सिलेंडर भराया है और हमें कोई समस्या जैसे नहीं आई है। बदायूं में गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों से गेहूं खरीद लगातार की जा रही है, जिससे किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। किसानों को क्रय केंद्रों पर किसी प्रकार की समस्या भी नहीं हो रही है। किसान सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए गेहूं क्रय केंद्र पर अपना गेहूं सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं। बदायूं के बिलसी मंडी समिति ने बनाए गए गेहूं क्रय केंद्र पर अपना गेहूं बेचने आए किसानों का कहना है कि क्रय केंद्रों पर सभी सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें अपना गेहूं क्रय केंद्रों पर डालने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है और पूरा समर्थन मूल्य उन्हें मिल रहा है। मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा, मैं मियापुर का रहने वाला हूँ। लगभग मेरे 100 क्विंटल से ऊपर गेहूँ है, उत्तम लाई हो रही है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत। 1925 प्लस 20 रुपये बोनस, 1945 का है, ना समस्या कोई नहीं, ना ठेकेदारों से, ना लेबर से, किसी से ना अच्छा हो रहा है काम साहब इस शासन में, ना कोई रिश्वत है ना कुछ है। गेहूँ तलाए 50 क्विंटल तलाए और रेट 1925 रुपये का मिला है और काम सही हो रहा है और किसी बार बात की दिक्कत नहीं है। पैसे पेमेंट भी 8 दिन हो रही है। यहाँ पर किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था कर रहा हूँ, हर चीज़ से किसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। मेरे किसान यहाँ थे अभी और सब उनसे पूछा गया, सही है। यहाँ पर लगभग 18,000 क्विंटल, लक्ष्य वही 20,000 का है। सब मास्क सैनिटाइजर सब चीज़ उपलब्ध। हाथरस जिले में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ने रैपिड रिस्पांस टीम के उन आयुष चिकित्सकों को पीपीई किट दी है जो कि कोविड-19 की जांच में लगे हुए हैं। 6 चिकित्सकों को पीपीई किट दी गई है। किट पाने वाले इन चिकित्सकों का कहना है कि ये किट निश्चित रूप से उन्हें सुरक्षा करने में काम करेगी। कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य कर्मी के संक्रमित होने का खतरा बना रहता है, इसी को देखते हुए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ने जिले की रैपिड रिस्पांस टीम में कार्यरत आयुष चिकित्सकों को कोविड-19 की जांच के लिए पीपीई किट मुहैया कराई है। महासचिव प्रवीण वाष्णेव ने कहा है कि सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए NDHR ने रैपिड रिस्पांस टीम के ऐसे आयुष चिकित्सकों का जो कोरोना की जाँच और सैंपलिंग करने में लगे हुए हैं उन्हें पीपीई किट उपलब्ध कराई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने स्तर से प्रयास किए हैं और जो लेवल 1 हॉस्पिटल है पहले प्रमुखता उनको दी गई है और जो भी संस्थाएं इसमें जो है हम लोगों को योगदान दे रही हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस कोरोना टाइम में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें हर इंसान को थोड़ा मानसिक भय भी है और हम लोग ऐसे मरीजों के बीच में रहते हैं, क्वारंटाइन सेंटर पर रहते हैं, तो निश्चित रूप से इसके मिलने से हमें थोड़ा सा हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारी सुरक्षा रहेगी। ADHR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स द्वारा जो डॉक्टर रैपिड रेस्पॉन्स टीम में लगे हुए हैं, जो जगह जगह जाकर कैंपों में जो कोविड की जांच कर रहे हैं, वो बिना PPE किट के ही वहाँ जाते थे। हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन के अंतराल पर हम लोग चूँकि हमारी संगठन द्वारा जगह जगह पर खाना वितरण किया गया था, हम उनको देखते थे, तो बिना किसी सिक्योरिटी के ही वो लोग ऐसी कार्यों में लगे हुए थे। तो हमारी संस्था द्वारा ये प्रयास किया गया है आज कि हम लोग उनको PPE किट उपलब्ध कराएं। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी श्रमिक वापस अपने घर को आ गए हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार उन्हें अपने ही जिले में रोजगार दिलाने की कवायद युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। रायबरेली में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मनरेगा के साथ ही लोकल और औद्योगिक इकाइयों में भी दिलाए जाने का कार्य जिले के विभिन्न इकाइयों के माध्यम से कराया जा रहा है। ऐसे में सेवा योजन कार्यालय में प्रवासी श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन विभाग के द्वारा श्रमिकों को फोन करके उन्हें निर्धारित तिथि और समय पर रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया जाता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए श्रमिकों से रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूरी कराई जाती है। इसके पहले हम इंदौर में काम करते थे और वहाँ पर लॉकडाउन लगने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए हम अपने गांव लॉकडाउन की वजह से यहाँ चले आए। अब यहाँ पर बेरोजगारी का वो है, इसीलिए सरकार ने जो चालू किया है
इसमें आए हैं। अब यहाँ से जो सरकार करेगी वो देखा जाएगा। सरकार यहाँ नौकरी देने के लिए बुलाया है, आज यहाँ आए हैं। भैया फार्म हमने भरा है, सरकार ने फार्म दिया है, ये फार्म भर सरकार से हमको उम्मीद है कि हमको यहाँ पे हमारे ज़िले में ही काम मिल जाएगा, बाहर हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने गया है कमाने के लिए मजदूर अपने, और वहाँ पंजाब में 2 महीने बैठे थे पहले, उसके बाद रजिस्ट्रेशन। आजमगढ़ में निर्धन व गरीब परिवारों को पक्का घर मुहैया कराए जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे गरीब लोगों को आवास दिए जाते हैं। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष के दौरान वैश्विक महामारी लॉकडाउन में चयनित पात्र लाभार्थियों के खातों में धनराशि भेज दी गई है। इस धनराशि के मिलने के बाद अपने आवास में रह रहे लाभार्थियों ने बताया कि इस बरसात से पहले ही हमारा पक्का मकान बन गया है। इसके पहले हम लोग कच्चे मकानों में रहते थे, बारिश में काफ़ी मुसीबतों और समस्याओं से रूबरू होना पड़ता था। वहीं डूडा अधिकारी अरविंद पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक ऑनलाइन संचालित योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्णतः ऑनलाइन योजना है। लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को इसका फायदा मिला। जितने लोगों का जियो टैग हो चुका था लॉकडाउन के पूर्व, हम लोगों ने उन सभी लाभार्थियों को ये तय किया कि लॉकडाउन के दौरान उनके खाते में जो अवशेष धनराशि है द्वितीय या तृतीय किस्त की, उसको पहुंचाया जाए ताकि लाभार्थी अपने घर का निर्माण बरसात से पहले करा सके। इसके लिए 444 लाभार्थियों को हम लोगों ने तीसरी किस्त की धनराशि प्रदान की। हमारे यहाँ मकान नहीं था और हम कच्चे मकान में रह रहे थे, और हमको बहुत मतलब कि बारिश में मुसीबत झेलनी पड़ रही थी, और समझो कि बहुत हमको दिक्कत थी। और आज हम बड़े मतलब कि पक्के मकान में रह रहे हैं और अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास जमीन थी रहने के लिए, मकान नहीं था, अपना चूता उता था मकान। हमको बारिश के पहले पहले मकान मिल गया प्रधानमंत्री आवास योजना से। लॉकडाउन आते होते हमको पूरा पेमेंट मिल गया था, लॉकडाउन में भी हमें पर। हौसला और हुनर हो तो कोई भी इंसान तरक्की की सीढ़ी चढ़कर शिखर तक पहुंच सकता है। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल ड्रेस सिलाई की जिम्मेदारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपा जा रहा है। इससे लॉकडाउन से गुजरी गरीब महिलाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही यूनिफॉर्म की गुणवत्ता भी सुधरेगी। फतेहपुर जिले के सभी 13 ब्लॉकों में स्वयं सहायता समूह की 1350 अप्रशिक्षित महिलाओं को चिन्हित कर कौशल विकास मिशन से 10 दिवसीय यूनिफॉर्म सिलाई का प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जा रहा है, जिससे महिलाएं हुनरमंद होकर आत्मनिर्भर बन सकें। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। अनलॉक 1 के दौरान पहली बार होगा यह संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में नहीं होगी श्रमिकों के लिए रोजगार की कमी। आज डीबीटी के माध्यम से 1,48,166 श्रमिकों के खाते में पहुंचाई गई 1,000 रुपए की सहायता राशि। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आज पंजाब नेशनल बैंक के अंचल प्रबंधक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 750 करोड़ रुपए का चेक किया भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा एक्सप्रेसवे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साबित होगा मील का पत्थर। और प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से 7,875 लोग हुए पूर्णतः स्वस्थ। प्रदेश में अब 4,858 एक्टिव केस है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।